हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। टुडे द डेट इज 13 नवंबर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। झारखंड में फेज वन के इलेक्शंस हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। फूड प्राइसेस पर इन्फ्लेशन ये होता रहता है रेगुलर, वो हर मंथ का है, उसमें कोई आप उस जाने की जरूरत नहीं है। वेजिटेबल प्राइसेस स्पाइक 42% हाईएस्ट इन 57 मंथ। ओके, बट द थिंग इज दो चीजें मैटर करती हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई हैं पहले से। एक एक होता है कि हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा है कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। सो ओवरऑल जब तक हम अपने इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर इंडस्ट्रीज को उतना ज्यादा डेवलप नहीं करेंगे, तब तक उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज जैसी चीजों में नहीं आएगा। और जब तक कोल्ड स्टोरेज नहीं होंगे तो फिर जो हमारे इस तरह की फ्रूट्स या वेजिटेबल्स टाइप की चीजें होती हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अगर आपके कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो जब इनका प्रोडक्शन आएगा तब प्राइसेस गिर जाएंगे और फिर ओवर द मंथ्स वापस से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। और वो स्टोरेज तभी करेंगे जब उनके पास एक अश्योर्ड मार्केट होगा इन द टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज जो हमें थोड़ा इन डेप्थ देखने हैं। अब यहां पर देखिए, आप जनरली पीपल टॉक अबाउट दिस बीजेपी योगी बाबा, बुलडोजर बाबा एंड ऑल दोस, बट द थिंग इज कि एक जो चीज देखी गई है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, एजुकेशन हमारा नीचे के नीचे ही जाया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो हम अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, चाहे आईआईटी की कर लें, जहां पे आईआईटी बॉम्बे जैसे में 38% लोगों को इस बार प्लेसमेंट नहीं हुआ। सबसे लोवेस्ट जो पैकेज गया इट वॉज जस्ट 3 लाख रुपीज, राइट। तो इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। आईआईएम के अमेंडमेंट बिल को लेकर आए जिससे उसकी अटोनमी पर अटैक किया गया। सिमिलरली यहां पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास एक पेटिशन आई थी, उसने फिर गौतम बुद्ध नगर जो कि आपका नोएडा के पास है उसके डीएम को डायरेक्शन दिए कि स्कूल्स की हालत बहुत खराब है, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनको ठीक कराइए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर इन उत्तर प्रदेश विथ रिस्पेक्ट टू डिस्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट स्कूल। द डिस्मल कंडीशंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट रन स्कूल्स वायलेट आरटी गारंटी टू स्टूडेंट्स, इट डिप्राइव देम ऑफ बेसिक एमिनिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, शॉर्टेज ऑफ डेस्क एंड बेंचेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्वीपर्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स। अगर डेस्क और बेंचेस तक आप अवेलेबल नहीं कराते हो तो जानबूझकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनको खराब किया जाता है ताकि बच्चे फोर्स हो प्राइवेट की तरफ जाने के लिए। ओके, बट फिर वहाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। बट द थिंग इज कि किस तरीके से हमारा मीडिया या हमारे लीडर्स लोगों को डाइवर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ कटोगे तो बटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, बट जो मेन इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के जिसपे हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, सिर्फ नारा देने से कि विश्व गुरु बन रहे हैं हम, उससे नहीं होगा। अगर स्कूल जैसी चीजों में आपने इन्वेस्ट नहीं किया ठीक से, और ये तो गौतम बुद्ध नगर का है जो कि ऑलरेडी एक पॉश एरिया है दिल्ली के एकदम नजदीक, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इंटीरियर में जो स्कूल है उनके क्या हाल होंगे। ओके, सो जापान पे भी जब बॉम्ब्स गिरे थे तब उसने सबसे पहले एक ही चीज की थी कि ये सब हम बना लेंगे दोबारा, बट बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो पहले स्कूल्स तैयार करो। So, वो देश आगे निकलते हैं जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं, अपने स्कूल्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं, क्योंकि स्कूल में अगर आपके फाउंडेशन वीक रह गए तो आप आगे कॉम्पीट नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, जब यही बच्चे कल को कॉम्पिटिशन फेस करते हैं चाहे वो नीट का हो या यूपीएससी का हो, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल से लेकर उनके क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज तक। अगर हमने फाउंडेशन से वीक कर दिए तो फिर किस बात की इक्वालिटी रह गई, राइट? देयर इज नो इक्वालिटी। कैसे कॉम्पीट करोगे? एक ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम की बात करते हो लेकिन आपकी जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो फेलियर है वो है गवर्नमेंट का कि आप उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे कि कल को ये बच्चे कॉम्पीट कर पाए। नाउ अगेन डोंट टेक इट रॉन्ग, बट अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन से बच्चे मिलेंगे आपको? अधिकतर वही मिलेंगे जिन्हें आप बाद में कहते हो कि ये रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है? ये एसटीएससी के बच्चे या और दूसरी माइनॉरिटीज के बच्चे, फिर वो कैसे कॉम्पीट करेंगे फ्यूचर में वन नेशन वन एग्जाम की जब बात होती है, राइट? तो अगर कोई गवर्नमेंट इस स्कूल्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बेसिक लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, तो अल्टीमेटली 18 साल बाद जब वो बच्चा एक ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम फेस करेगा तो वहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको तब फेस होंगे जो अभी नहीं हो रहे। एनीवे, आगे चलते हैं। द ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज कि किस तरीके से हमारी पूरी सोसाइटी के माइंडसेट को गुमराह किया गया है टुवर्ड्स दोस इश्यूज जो एग्जैक्टली है भी नहीं। हिंदू मुस्लिम या कटोगे बटोगे या बांग्लादेश में हिंदूज पे हो रहे थे चार, वो ठीक है अपनी जगह, ठीक है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए इंडिया में, वो भी ठीक है पाकिस्तान के लिए जिसके लिए भी, बट ये जो बेसिक नीड्स हैं
एजुकेशन हेल्थ, अगर उसको नेगलेक्ट करके आप वो चीज प्रमोट कर रहे हो तो वो गलत है। और सबसे पहले हमें इस आर्टिकल को देखना होगा यहां पर, इसको इसमें काफी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। मोस्टली बात ये की गई कि जैसे जैसे सोसाइटी एज कर रही है उसके साथ साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बढ़ता जा रहा है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपका कैंसर, डायबिटीज एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, रिपोर्ट का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी। ठीक, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको एक अलग पेज पे डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज कि ये रिपोर्ट लेकर कौन आया, तो ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग, एंड रिपोर्ट का नाम था अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी। यहाँ पर इसने फोकस किया मेनली लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। ठीक, इनका कहना है कि यहाँ पर जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं इसमें सबसे ज्यादा बर्डन बढ़ता जा रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, एंड दे आर बिकमिंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। कम्युनिकेबल डिजीज से उतना खतरा नहीं है जितना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, एंड दिस इज पोजिंग ए सिग्निफिकेंट चैलेंज टू अ हेल्थ केयर सिस्टम स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इसके अकॉर्डिंग बाय 2050 देयर विल बी अराउंड 92 मिलियन डेथ्स ड्यू टू दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बट हम लोग इस 92 मिलियन में से अराउंड 25 मिलियन डेथ को सेव कर सकते हैं अगर हम लोग इन्वेस्ट करें अपने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग में। अगर हम इन तीनों चीजों में अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें तो बाय 2050 होने वाली इन डेथ में से हम 25 मिलियन डेथ तक प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। राइट, एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम जहां पर हमारे हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड हो। ऐसा नहीं कि आपको कैंसर हो गया तो आपको सीधे मुंबई ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं। फर्स्ट इज आर हॉस्पिटल शुड बी वेल इक्विप्ड एंड एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो बी एक्सेसिबल। ठीक, हमें हर अपनी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो है वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखना होगा, और ये जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनको मोस्टली फोकस करना चाहिए इन दी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं स्पेशली दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अगर हम उनको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंसर या डायबिटीज, अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है, और बेस्ट है कि हम उसको प्रिवेंट ही कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह की टोबैको सॉर्ट ऑफ चीजों का ही अगर यूज कम कर दिया जाए तो आपको इस तरह की बीमारियां ना हो। सो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हॉस्पिटल्स को हमें वेल इक्विप करना है, एक्सेसिबल भी बनाना है, बट एट द सेम टाइम फोकस होना चाहिए ऑन दी अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ओके, नाउ द थिंग इज कि जैसे जैसे हमारे यहाँ अर्बेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज होती जा रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि लोगों की जो लाइफ हो गई है इट हैज बिकम काइंड ऑफ सेडेंट्री। आप 12 घंटे 15 घंटे से एक ही जगह बैठे हो, अदर देन योर स्लीप ऑल्सो यू आर वर्किंग 10 आवर्स 12 आवर्स, तो इस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमारे यहाँ काफी सारे बर्डन देखने को मिल रहे हैं, सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, राइट, डायबिटीज, इवन रेस्पिरेटरी इलनेस। ओके, और ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की के साथ साथ हमारी जो हैबिट्स हैं, सबकी नहीं बट कई लोगों की, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ टोबैको, एल्कोहल, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुअर डाइट, रिसोर्स रिच डाइट नहीं लेते हैं लोग आजकल फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उस वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्यादा होती है। जितना ज्यादा डीप फ्राई टाइप की चीजें लोग कंज्यूम करते हैं उतना ही ज्यादा उनका कार्डियोवास्कुलर का हेल्थ का इशू बढ़ जाता है। आप सबसे ज्यादा देखेंगे ये इन सिख कम्युनिटी, क्योंकि वहां छोले भटूरे बहुत ज्यादा चलता है, और स्पेशली इन दिल्ली साइड, तो वहां पर आपको हार्ट ट्रांसप्लांट, कभी हार्ट अटैक, इस तरह की केसेस उसमें थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल ही उस तरह की होती है। ओके, नाउ एज पर दी लैंसेट रिपोर्ट, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड बैंक, लैंसेट, इस तरह की चीजें कोट करनी पड़ती हैं। लैंसेट ने हाईलाइट किया था कि सबसे बड़ा पहले तो कि पब्लिक जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू डेवलप ए रिस्पॉन्सिव हेल्थ केयर सिस्टम, राइट, और उसमें जरूरी है कि रेगुलर स्क्रीनिंग हो लोगों की,
ताकि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, देयर शुड बी एन अर्ली डिटेक्शन। और इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या लेकर आए, आयुष्मान भारत भारत स्कीम लेकर आए, जिसने एटलीस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया। और अभी रिसेंटली जितने भी 70+ के लोग हैं उन सभी को ये इंश्योरेंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर दिया गया है उनको, रिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम क्या है, आप बीपीएल में आते हैं या नहीं आते हैं। ओके, अब इसमें आयुष्मान भारत में सबसे बड़ा फ्रॉड क्या निकला, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। ये लोग बेवजह की सर्जरी करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ और भी कई तरह के इशू हैं, जैसे फर्स्ट थिंग इज दे लैक ट्रांसपेरेंसी, मनमाने बिल बिल पकड़ा दिए जाते हैं, मनमाने दाम लगाए जाते हैं दवाइयों के या जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करने पड़ रहे हैं वहां पर। ओके, और दूसरा कि यहाँ पर पेशेंट केयर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, देयर इज वेरी मच इनएडिक्वेट पेशेंट केयर। अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड को आई थिंक लिवर या किडनी कुछ डोनेट करने वाली थी, एंड वो ऑपरेशन कुछ इस तरीके का हुआ कि उसके इंटेस्टाइन में डैमेज हो गया, ब्लीडिंग रुकी नहीं, एंड इवन दैट वाइफ दैट लेडी डाइड। ओके, और ये किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल का नहीं है, ये मेदांता हॉस्पिटल का केस था। इवन मेदांता एंड वन मोर अपोलो हॉस्पिटल, इन पे काफी एलिगेशन लगे हैं कि इनके यहाँ पर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, सिर्फ नाम बड़े हैं, बट वहां पर पेशेंट्स को हार्म ज्यादा हो रहा है रादर देन क्योर। इसके अलावा कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थिंग, जब बात आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो सबसे अच्छा अगर कोई ऑप्शन है तो वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, यानी कि हम लोग ज्यादा फोकस करें प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन, और उसके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, वो हो सकता है सिर्फ अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे, हेल्दी लाइफस्टाइल से। राइट, अब लेकिन अगर प्रिवेंशन हम नहीं कर पाए, हो ही गया कोई बीमार, तो अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पर। सो फॉर दैट वी नीड टू प्रमोट दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिसमें से एक है इंश्योरेंस जो कि आयुष्मान भारत प्रमोट कर रहा है, और उसमें काफी सारे लूप होल्स देखे गए। दूसरा, हमें कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स चलाने चाहिए। ऑलराइट, देन इसमें यहां पर गवर्नमेंट का क्या क्या रोल आ जाता है। मोस्टली गवर्नमेंट के रोल की जब आप बात कर रहे हो, तो स्पेशली फोकस करना चाहिए ज्यादा रूरल एंड अंडरसर्व एरियाज में, क्योंकि वहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज पर, एंड वहां पर उसको एंश्योर करना चाहिए तीन चीजें। तीन चीजें इनमें ज्यादा जरूरी हो जाती है। फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, वो होगा जब गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी। सेकेंड होना चाहिए अफोर्डेबिलिटी, एंड थर्ड शुड बी दी क्वालिटी। ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए खोल दिए गए, बस उसमें कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट इज वी नीड टू एम्पावर दी हेल्थ केयर वर्कफोर्स। ओके, सो ये सारी बातें इस आर्टिकल में दी गई थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ओके, ये सब इसी में दिया गया था कि कैसे हम लोग 2050 तक ये जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, इसकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं, प्रिवेंटिव वे में भी और क्योरेटिव वे में भी। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया कैनेडा। इसमें कुछ नहीं है, जो फ्री फॉल चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा जब तक कैनेडा में इलेक्शन नहीं हो जाते, उसके बाद ही कुछ चेंज होगा। और यू कैन ट्रस्ट मी दैट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। ओके, वैसा कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे। डोनाल्ड ट्रंप, ये सब बोल बच्चे ने, अभी अभी उनकी ऑफिस में एंटर करने में काफी टाइम है, जब होगा तब हम बात करेंगे इसकी। यहाँ पे हरियाणा के इलेक्शंस रिलेटेड है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। यस, आईएमईसी, नाउ आईएमईसी जब हमने बात की थी, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी G20 समिट के दौरान। ठीक, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। इसके दो विंग थे जो मैं जब मैंने आपको मैप के साथ बताए थे, एक इंडिया से कनेक्ट करेगा अरेबियन पेनिनसुला यानी कि यूएई तक, ठीक है, फिर यूएई से सऊदी, जॉर्डन और इसराइल होते हुए ये उधर जाएगा ग्रीस की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा ईस्टर्न फ्रंट, ये है हमारा वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड पे स्पेशली इंडिया यूएई के बीच ट्रेड काफी इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में। हमने इनके साथ सीसा भी ज्वाइन किया, सीसा और सीपा कुछ भी बोल लो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इस रूट पे। देखिए, ये जो वेस्टर्न रूट था जॉर्डन सऊदी अरेबिया से होते हुए इसराइल के थ्रू जाने का, इसमें कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। बट ईस्टर्न जो इसका हैंड है उसमें प्रोग्रेस देखी जा रही है, बट ये प्रोग्रेस भी अभी पूरी तरीके से चल रही है सिर्फ कनेक्टिविटी रूट पर।
यानी कि सिर्फ यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, बाकी और भी जो बातें की गई थी कि हम अंडरसी केबल्स बनाएंगे, पाइपलाइंस बनाएंगे, उस फ्रंट पे अभी कोई डेवलपमेंट फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। अभी पूरा फोकस यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी इंश्योर की जाए, इंप्रूव की जाए। ओके, सो उसी के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है। जब ये लॉन्च हुआ था ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट, तो काफी लगा था लोगों को कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी जो रूट है स्विस कैनाल से, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहां से हमारा जो टाइम होगा इंडिया से लेके यूरोप तक जाने का, वो 40% तक रिड्यूस हो जाएगा, और जो कॉस्ट थी वो 30% तक रिड्यूस हो जाएगी। ओके, द न्यू कॉरिडोर वंस ऑपरेशनल विल बी ए गेम चेंजर। प्रोग्रेस देखिए, तो यहाँ पे काफी डिलेड प्रोग्रेस है। ये अनाउंसमेंट हुआ था तब तो काफी ऑप्टिमिज्म था कि इसको कर लेंगे। अब इसके लिए पूरा फोकस किस चीज पे था? फोकस ये था कि अरब और इसराइल, इसके बीच में जब ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे, इनके बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो जो पैलेस्टीन का इश्यू है वो साइडलाइन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा था उसके पीछे कि इन दोनों के बीच अगर नॉर्मल हो गए, और आप देख भी सकते हैं कि इसराइल ने इतना असॉल्ट किया अभी वेस्ट बैंक पर, सॉरी गाजा पर, बट कोई भी अरब कंट्री उतना फुल फ्लेजेड सपोर्ट में नहीं आई एक्सेप्ट ईरान। ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं एक एजेंडा था हिडन कि अरब इसराइल के रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं, और ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऐसी चीज है जो अगर आ गई दो लोगों के बीच, तो फिर वो कितना भी लड़ लें उन्हें डिस्प्यूट अपने साइड में रखने ही पड़ेंगे। एज सिंपल एज कि आप लोग दो रूम पार्टनर हो, आपके बीच है कितनी कंफ्लिक्ट हो जाए, बट आप ये नहीं कह सकते तुम रूम वैकेंट कर दो, तुम कर दो, क्योंकि आप आफ्टर ऑल आप में से कोई भी अकेला पूरे रूम का रेंट नहीं पे कर सकता। बस वही होता है, वही यूरोप ने किया कि हम सभी कंट्री से, अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, तो ये जो यूरोप में बार बार वॉर हो रही है पिछले 1000 साल से, ये बंद हो जाएंगी, और वही हुआ, यूरोपियन यूनियन बना। ठीक है, तो यहां पर ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसके बाद सब कुछ होल्ड पे आ गया। द एस्केलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन इसराइल एंड पैलेस्टीन आफ्टर द अक्टूबर 7 अटैक लास्ट ईयर, दिस क्राइसिस एंगर द होल ऑफ वेस्ट एशिया एंड पुट द कॉरिडोर ऑन द बैक बर्नर। The implementation on the northern part of the corridor, which is mostly in West Asia, is going to move slowly until the ongoing escalation subside. जब तक ये चलेगा तब तक उस साइड तो नहीं हो सकता, लेकिन जो ईस्टर्न लेग है, विच इज कनेक्टिंग द यूएई विद इंडियन पोर्ट्स, दे आर मूविंग फॉरवर्ड एट रिलेटिवली फास्ट पेस। क्योंकि हमने साइन किया इनके साथ सीपा इन 2022, और इसका नतीजा ये देखा गया कि इंडिया यूएई के बीच में बायलेटरल ट्रेड $43 बिलियन से बढ़ के $83 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 93% की ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट आप डबल ही मान लीजिए कि डबल तक कर लिया हमने जब से ये सेपा साइन हुआ है। नेक्स्ट इज, और सिर्फ ये ट्रेड नहीं बढ़ा है, द थिंग इज कि जब भी आपको वेस्ट एशिया या अरब कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन देखने हो, तो ऑलवेज मेक श्योर कि नॉन ऑयल ट्रेड कितना बढ़ा है। ऑयल तो फिर वो तो अलग चीज है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी देखा गया ट्रेड बास्केट में, ग्रोइंग नॉन ऑयल ट्रेड, इवन नॉन ऑयल ट्रेड भी देखें, अगर हम ऑयल को साइड कर दें तो उसके बाद भी वो ट्रेड $28 बिलियन से $57 बिलियन तक बढ़ा है, ऑलमोस्ट अगेन डबल। राइट, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके साथ सिर्फ ऑयल की वजह से ट्रेड दिखा, नहीं, हम यूए के साथ और भी चीजों में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स। एंड नाउ बोथ कंट्रीज आर ऑल्सो वर्किंग ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड प्रोसेसेस, क्योंकि ये जो ट्रेड प्रोसेस होते हैं, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, शिप का टर्न अराउंड टाइम, कस्टम क्लियरेंस एंड ऑल दोस, ये चीजें जितनी फास्ट होंगी उतना ज्यादा बेटर होगा ट्रेड के लिए, उतना ज्यादा एफिशियंट होगा। राइट, दोनों वर्क कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड सेट कर सकें, कुछ फैसिलिटेशन है जो ट्रेड प्रोसेस का वो और ईजी और एफिशियंट बन सके। इंडिया एंड यूएई ऑल्सो लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, जो कि इसी का इंटीग्रल पार्ट है आईएमएसी का, बट ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, विच इज एम्ड एट रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, पेपर वर्क एंड ऑल, टाइम, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। ओके, सो ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर काइंड ऑफ कि ये हमारा ट्रेड कॉरिडोर है, इसमें हम इन सब चीजों पर वर्क करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को ईजी बनाएंगे, टाइम कम से कम हो, लॉजिस्टिक्स का और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम आए। ये जो हमने बनाया है वर्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए वर्किंग मॉडल फॉर अदर कंट्रीज इन्वॉल्व इन द आईएमईसी टू डेवलप सिमिलर फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन। हाउएवर, द अनसर्टेन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू द कंफ्लिक्ट एंड कमिटेड ईस्टर्न पार्ट दैट इज फोर्जिंग न्यू लिंकेजेस टू रेडी इटसेल्फ फॉर द न्यू मैरिटाइम ऑर्डर। नाउ इट इज क्लियर दैट ओनली, as I already told you that only connectivity aspect of IMEC initiative is gaining some traction. जो other elements थे जैसे clean energy export, undersea fiber optic cables, pipelines, energy grid linkage, telecommunication lines,
क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ये सब को अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि इस रीजन में पूरा पीस नहीं आ जाता। एंड एज आई सेड कि ट्रंप के आने के बाद या तो पीस आएगा इस पूरे रीजन में या फिर टोटल डिस्ट्रक्शन होगा। ये इसी तरीके से एज यूजुअल नहीं चलेगा। नाउ व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया कैन यूज दिस टाइम टू प्रिपेयर इट्स पोर्ट्स, डेवलप स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन एंड इम्प्रूव इट्स डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन विद द IMEC। ठीक है, अभी तक जब तक ये प्रोग्रेस स्लो चल रही है तब तक हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके इसके लिए। देर इज नीड टू इम्प्रूव द डिजिटल फुटप्रिंट इन द डोमेस्टिक लॉजिस्टिक लैंडस्केप, मेकिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटेटिव। क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 to 14% जाता है, जबकि वर्ल्ड में 8 to 9% जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक में भी हमारी अगर आप गुड्स की जो ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड देखो तो 25-30 किलोमीटर एवरेज है उसकी। चाइना में वही गुड्स की स्पीड 100 किलोमीटर एवरेज है। ठीक है, तो वो हमसे बहुत आगे हर चीज में। पैसेंजर ट्रेन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। द एक्चुअल बेनिफिट विल बी सीन ओनली इफ इंडिया कैन इम्प्रूव इट्स इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन विद IMEC। इंडिया एम्स टू पोजिशन इट सेल्फ एज ए ग्लोबल सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव, सो इट इज टाइम टू पुश फॉर IMEC सेक्रेटेरिएट। अभी तक तो IMEC का सेक्रेटेरिएट भी नहीं बना है, लेकिन जब तक ये पीस नहीं आएगा इस रीजन में तब तक वो बन भी नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। बट एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे जो ईस्टर्न फ्रंट है उसमें तो कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रही है हमें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, महाराष्ट्र पोलैंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, मैंने आपके साथ एक मेंस 450+ का सेशन किया था, यूट्यूब पर ही किया था, जिसमें मैंने आपको FCRA में कुछ चेंजेस किए गए उसके बारे में बताया था। क्योंकि काफी सारे NGOs का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता था कि ये फॉरेन से फंड्स लेते हैं और उसके बाद उस फंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं और हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को एनकरेज करते हैं। जैसे अगर हम न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं तो वहां पे ये NGOs लोगों को पैसे दे के भड़का के मिसगाइड करके प्रोटेस्ट कराते हैं कि इससे आपके यहाँ डिजास्टर आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग अगर कहीं माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं फॉरेस्ट वगैरह में ट्राइबल एरियाज में, तो वहां पे ये फंड को मिसयूज करते हैं, ट्राइबल्स को इंस्टिगेट करते हैं कि ये आपकी जमीनें छीन लेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने FCRA नॉर्म्स टाइट किए थे। मैं इसके सारे प्रोविजन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इसके अंडर में जब से ये रूल्स टाइट किए गए तब से काफी सारे NGOs के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। होम मिनिस्ट्री हैड लिस्टेड डाइवर्जन ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर कैरिंग आउट एन एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंसाइटिंग मैलिशियस प्रोटेस्ट एंड रिलीजियस कन्वर्जन अमंग 70 रीजन्स। और काफी सारे इस तरह के भी NGOs चल रहे हैं जो कन्वर्जन करवाते हैं, लाइक अरब कंट्रीज से पैसा आ रहा है कि इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, दूसरी कंट्रीज से पैसा आ रहा है क्रिश्चियंस मिशनरीज के पास कि आप भी कन्वर्जन कराइए। कभी ये फोर्सफुली भी हो सकता है और कभी ये इंड्यूसमेंट के थ्रू भी हो सकता है कि हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 17 रीजन दिए हैं टू डिनाई और कैंसिल द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए NGO। ठीक है, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोसेलिटाइजेशन। यहाँ पे इनका कहना है अगर आप यूटिलाइज नहीं भी कर रहे फॉरेन फंड्स को एज पर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर NGO तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ FCRA, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, इंडिया रशिया के बीच की ट्रेड की बात है तो यहाँ पर दो ही इशू सबसे ज्यादा चल रहे हैं। एक है पेमेंट नहीं हो पा रही है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट खोला हमने एक दूसरे की कंट्री में, उसके बाद ही पेमेंट का इशू रहा। क्यों रहा? क्योंकि ट्रेड तो हमारे यहाँ पे काफी इंप्रूव हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में। नाउ वी आर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ रशिया, बट द थिंग इज कि ये जो ट्रेड है मोस्टली उन्हीं के फेवर में, करीब $64 बिलियन तो रशिया के फेवर में। हम तो हार्डली कहीं $4 बिलियन तक का कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब इसमें जो सरप्लस रशिया के पास बच रहा है वो कहाँ पड़ा रहता है? जो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं एक दूसरे की कंट्री में। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया की टेरिटरी में जो खोला गया उसको नोस्ट्रो कहते हैं और उनके यहाँ जो खोला गया उसको वोस्ट्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये पैसा इसमें पड़ा रहता है। अब ये जो सरप्लस पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है सपोज $60 बिलियन, तो ये रशिया क्या करे इसका? अब उसका दो ही ऑप्शन है, या तो वो इंडिया से कुछ परचेज कर ले और ये पेमेंट यहीं सेटल हो जाए इंडिया की टेरिटरी में, बट हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम उसको सेल कर सकते हैं ज्यादा। ठीक है, और दूसरा कि वो इसी पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट कर दे, चाहे शेयर मार्केट में कर दे, किसी कंपनी में कर दे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर दे। तो वो भी रशिया कहता है कि पैसे की जरूरत तो अभी मुझे खुद को है वॉर फाइनेंस करने के लिए, मैं आपके यहाँ कहाँ से इन्वेस्ट कर दूं? ठीक है, तो इसीलिए नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, और दूसरा इशू बना लॉजिस्टिक का, एक पेमेंट एक लॉजिस्टिक, कि लॉजिस्टिक भी हम लोग कैसे करें। हम लोग इतनी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, चेन्नई व्लाडिवोस्टोक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, इधर हम लोगों ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की कोशिश की कैस्पियन सी से, बट दोनों ही उतनी अच्छे से मटेरियलाइज नहीं हो पाई है क्योंकि ईरान पर भी सैंक्शन है, रशिया पर भी सैंक्शन है।
इंडिया इज नाउ द सेकेंड कंट्री अमंग ऑल द फॉरेन इकोनॉमिक पार्टनर्स ऑफ रशिया. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लाडिवोस्टोक कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट. इसके अलावा कॉपरेशन कर रहे हैं हम लोग फूड, एनर्जी, हेल्थ, सिक्योरिटी में. मेजर सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर है रशिया हमारे लिए, ठीक है. इसकी फर्टिलाइजर की प्राइस भी बढ़ गई थी जब उसने यूक्रेन पर अटैक किया था. सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, कोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरेनियम. यूरेनियम भी हम रशिया से लेते हैं काफी सारा, ठीक है. और इंडिया दे क्या सकता है? इंडिया सिर्फ अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थ्रू अफोर्डेबल एंड रिलायबल दवाइयां दे सकता है, और कुछ नहीं है हमारे पास उनको देने के लिए. दोनों ने टारगेट रखा है $100 बिलियन का बाय 2030, और ये अचीव हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड 66 बिलियन तो पहुंच ही चुका है. बट अगेन $60 बिलियन तो रशिया के फेवर में है वो. ओके, सो दिस हैज बीन इंप्रेसिव, बट इट नीड टू बी मोर बैलेंस. अदरवाइज जैसे चाइना के साथ हमारा इतना हाई ट्रेड डेफिसिट चलता है $100 बिलियन करीब का, ऐसे रशिया के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा. सबसे बड़ा बॉटलनेक यही बना कि जब रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया सैंक्शन लगाने के बाद, तो फिर पेमेंट करने का इशू आने लगा. वी क्रिएटेड वोस्ट्रो अकाउंट्स टू एनकरेज बिजनेसेस टू ट्रेड इन लोकल करेंसीज, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा. इसके बाद एक और है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रशिया के साथ साथ बेलारूस जैसी एक दो कंट्री और हैं. ओके, सो साइनिंग ऑफ FTA बिटवीन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड इंडिया, एज वेल एज बायलेटरल एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो ये हम लोग साइन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा वो भी डेफिनेटली. बाकू के बारे में हमने कल बात कर ही ली थी, ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने कार्बन क्रेडिट ट्रेड को एक्सेप्ट कर लिया है. कार्बन क्रेडिट, इसकी बात हम लोगों ने की थी आर्टिकल 6 के अंडर, ये बनाया गया पेरिस एग्रीमेंट में. इसी के अंडर दो सब पॉइंट डाले गए इसके, एक है बायलेटरल लेवल के लिए और एक है ग्लोबल लेवल के लिए. दी एग्रीमेंट टू फाइनलाइज ए ग्लोबल कार्बन मार्केट, सच मार्केट विल अलाउ कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है ए, एक है बी, ये है कोई डेवलप कंट्री. सपोज कीजिए कि इसने यहाँ पे किसी इंडस्ट्री ने ज्यादा एमिशन कर लिए, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए यूएसए, इसने बहुत ज्यादा एमिशन कर लिए हैं, ठीक है. लेकिन बी डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इसकी एमिशन है नहीं. सपोज दोनों को 100-100 का कोटा मिला था, इसने कर लिए 120 यूनिट के एमिशन, इसने करे हार्डली 50 यूनिट के एमिशन. तो ये क्या करेगा? ये 20 यूनिट यहाँ पे सेल कर देगा कि आप ये 20 यूनिट ले लीजिए मुझसे. ओके, उसके बाद ये भी 100 पे आ जाएगा जितना इसका कोटा था, और इसका बढ़ के 70 भी हो जाएगा, तो भी ये इसकी विद इन लिमिट ही रहेगा. तो इस तरीके से कार्बन सर्टिफिकेट्स को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की बात की गई है बिटवीन उन कंट्रीज में जिनमें एमिशन, कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू उनका कोटा, और दूसरा जिसकी में कम हो रहा है. लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि आखिर कौन सी कंट्री इसको काउंट करेगी अपने एनडीसी में, ठीक है. तो ये अभी वर्कआउट होना बाकी है कि ये काउंट करेगी कि मैंने तो उतने पैसे दिए उसको कि मेरे 20 सर्टिफिकेट के बराबर के पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कर लो वहां किसी ग्रीन टेक्नोलॉजी में या फॉरेस्टेशन में, तो मेरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसको हम काउंट कहाँ करें? इस डेवलप कंट्री के एनडीसी में काउंट करें या इसके में काउंट करें, ठीक है. तो ये अभी भी डिसाइड होना बाकी है. अब प्राइस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर डिटरमाइंड एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एमिशन कैप इम्पोज बाय द कंट्रीज. आर्टिकल 6 के अंडर में ये चीजें हुई थी. इसमें दो सब आर्टिकल डाले गए, 6.2 बायलेटरली दो कंट्रीज के बीच में, और 6.4 दैट इज ग्लोबल कार्बन मार्केट. ये पूरा ग्लोबल लेवल पे कि आपको कहाँ किसको देना है. इस सबको सुपरवाइज कौन करेगा? यूएन की एक सुपरवाइजरी बॉडी होगी, हालांकि वो काम तो पहले से ही कर रही है, लेकिन अब ये प्रॉपर शेप में आएगी इसके, एंड दिस विल बी द अल्टीमेट आर्बिट्रेटर ऑफ द मार्केट, ठीक है. इसको लेकर अगर कोई भी इशू होंगे तो यही आर्बिट्रेटर होगा. बट की इशू जो सराउंड करेगा वो है अकाउंटिंग का, कि हम इसको किसके अकाउंट में ऐड करें, उस कंट्री के जिसने वहां से वो 20 एक्स्ट्रा एमिशन कर लिए तो उसने आपको कुछ फंड दिए हैं कि आप हम अपनी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर लीजिए इसका, तो कौन काउंट करेगा इसको? वो करेंगे या ये करेंगे अपनी अकाउंटिंग में, ठीक है. तो वो एक चीज अभी डिसाइड होना बाकी है. दिस विल बी द गेम चेंजिंग टूल टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टू दी डेवलपिंग वर्ल्ड. और मैं इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैंने इंडिया कार्बन मार्केट पे आपके साथ एक मीन्स 450+ का सेशन किया हुआ है, ठीक है. तो मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने भी अब अपनी इंडस्ट्रीज को बोल दिया है कि आपको अब ये फॉलो करना ही है फ्रॉम January 2026. आपको जितना कोटा दिया जाएगा एमिशन का आप उतना ही कर सकते हैं बस. मीन्स 450+ में हमने तैयार कर लिया था, सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सेट टू राइज 0.8% दिस ईयर, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू गो अप बाय 4.6%. अब एक तरफ वर्ल्ड बात कर रहा है कार्बन एमिशन कम करने की, बट एक्चुअली में जो देखा गया, एक सर्वे निकल के आया है, उनका कहना है कि इनफैक्ट कार्बन एमिशन बढ़े हैं. द कार्बन एमिशन आर सेट टू राइज 0.8% इन 2024 ओवर द लास्ट ईयर. ठीक है, एमिशन की बात करें तो चाइना 31 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात हो रही है, US एंड देन इंडिया देन EU.
कहीं पे कोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बकवास टॉपिक है वैसे भी। यहाँ पे सेंटर ने कहा इट सीक सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पे सेंटर कह रहा है कि स्टेट्स को भी हमारे साथ मिलकर एकदम जीरो एरर के एग्जाम कराने हैं हमें, ना कोई चीटिंग हो ना कोई पेपर लीकेज हो। एंड सबसे बड़ी जो एक कॉन्ट्रोवर्सी बनती है ना, जो शायद आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, वो बनती है कि जानबूझकर कई बार क्वेश्चंस गलत डाले जाते हैं। जानबूझकर ऐसा तो नहीं है ना यार कि 100 क्वेश्चन बना रहे हो आप और आप इतने बड़े इंडिया लेवल पर एग्जाम करा रहे हो या फिर स्टेट लेवल पर एग्जाम करा रहे हो जिसे लाखों लोग दे रहे हैं, क्या आप इस पेपर को बनने के बाद रिव्यू नहीं करते? जैसे मैं आपको एक एमपी का एग्जाम का बताता हूँ, इंग्लिश में लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हिंदी वाले साइड लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या आगे आप पेपर वाले पेपर बनने करते वैल्यूएट नहीं करते? जानबूझ के डाले जाते हैं क्योंकि फिर जब आपको ऑब्जेक्शन लगाना होता है तो हर क्वेश्चन के लिए 50 रुपीज देने पड़ते हैं बच्चों को। ओके, इवन यूपीएससी ने भी 2020 में आई थिंक 2 क्वेश्चन डिलीट किए थे फ्रॉम साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ये फेलियर उन लोगों का है जो पेपर बना रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आर मेड टू पे फॉर दिस। और कई बार ऐसा हो जाता है, खासकर स्टेट पीएससी में बहुत होता है कि वो मल्टीपल ऑप्शन को ही सही मान लेते हैं, ए भी सही है और डी अगर आपने लगाया तो वो भी सही है। ये तो इस तरह की चीजें उन बच्चों जो सिर्फ हिट मार के आ रहे हैं तुक्का वो ठीक है, बट जो जेन्युइनली एस्पिरेंट है उसको हर्ट होती है वो चीजें। कई बार आप क्वेश्चन पे एडमिट करते हो तो वो भी कहने के लिए तो है कि चलो वो क्वेश्चन सभी का हटा है ना, तो 98 क्वेश्चन का पेपर मान लो, बट थिंग इज कि वो 2 क्वेश्चन अगर पॉलिटी सेक्शन से हटे हैं या हिस्ट्री सेक्शन से हटे हैं और किसी एक बच्चे की स्ट्रेंथ यही थी तो उसका लॉस होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए तो वो कोई लॉस नहीं है, सबके लिए बराबर है, नहीं है बराबर। वो क्वेश्चन किस सेक्शन से किए गए हैं क्योंकि हर बच्चे का सेक्शन स्ट्रांग होता है उसकी फील्ड के हिसाब से, किसी का पॉलिटी बहुत अच्छा है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का साइंस टेक अच्छा है, राइट? तो अगर आप जीरो एरर की एग्जाम ही नहीं करा सकते अपने यहाँ तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें क्या करना है यार। एनीवे, नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट स्लैम सेंटर फॉर इनएक्शन ओवर डायरेक्शन ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डायरेक्शन दी थी होम मिनिस्ट्री को कि जैसे हमारे यहाँ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है टेरिस अटैक्स वगैरह को रोकने के लिए, उसी तरीके से आप एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगाइए बनाइए सेक्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। पर डायरेक्शन के बाद भी होम मिनिस्ट्री ने इस तरह की कोई चीज नहीं बनाई। गवर्नमेंट इज येट टू इंप्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन अगेंस्ट सेक्स ट्रैफिकिंग इवन 9 ईयर्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन दिसंबर 2015। सेक्स ट्रैफिकिंग अभी भी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये डायरेक्शन दी गई थी होम मिनिस्ट्री को टू सेटअप ए डेडिकेटेड बॉडी टू प्रोब सेक्स ट्रैफिकिंग, बट इट वॉज डिस्कार्डेड। ओके, इसी के साथ एक और प्रपोजल रखा गया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएंगे हम लोग, बट इट ऑल्सो डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। तो ये दोनों जो रिकमेंडेशन थे, एक डेडिकेटेड बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये दोनों ही जो प्रपोजल थे या आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। द एफर्ट टू पास ए स्पेशल लॉ, नाउ जैसे स्पेशल लॉ है कई चीजों को लेकर, उसी तरीके से यहाँ भी एक स्पेशल लॉ बनाने की बात की गई थी। द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2018, दिस वॉर ऑल्सो स्टक। ओके, तो ये लॉ भी हम लोग पास नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये रेशनल दे दिया कि हमने कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं टू एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू इंक्लूड द ऑफेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बट कोर्ट का ये कहना था कि एनआईए को पावर देने की बजाय, एनआईए के पास और भी काम है बहुत सारे, ठीक है, तो इसको पावर देने की बजाय आप एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड एजेंसी बना दीजिए जो सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही रिलेटेड काम करेगी। ओके, नाउ दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं बिकॉज ये मैं आपको मेंस 450 में भी कराऊंगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक सेकेंड, ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको मेंस 450 में भी कवर कराऊंगा। फर्स्ट इज यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन, हाउ वुड यू डिफाइन दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ओके, सो यू कैन कॉल इट एज एनी रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसीट ऑफ पीपल थ्रू फोर्स, फ्रॉड और डिसेप्शन फॉर वॉट पर्पज, फॉर एक्सप्लॉयटेशन, राइट? दैट्स हाउ यू शुड फ्रेम ए डेफिनेशन। ओके, इट इज अ रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रेसिपिएंट ऑफ पीपल, बट कैसे? थ्रू फोर्स और डिसेप्शन, फॉर वॉट पर्पज, फॉर एक्सप्लॉयटेशन, दैट्स हाउ यू शुड फ्रेम ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, अब यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे हैं ना, तो एक बॉडी को भी याद रखिए अपने एग्जाम के लिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम। जब मैंने आपको ड्रग पे क्वेश्चन कराया था, टॉपिक कराया था ये पूरा मेंस 450 प्लस में, तब भी मैंने आपको
बोला था कि आप इस बॉडी का नाम याद रखिएगा कि ये ड्रग्स एंड क्राइम को रोकने के लिए बनी थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। हालांकि पहले इसका नाम कुछ और था, करंट नेम जो अडॉप्ट किया गया वो किया गया 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसका मेन फोकस वही है कि जितनी भी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है या ड्रग अब्यूज होते हैं, इन सब पे वर्क करता है ये। इसी के साथ साथ ये एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी निकालता है, राइट। एंड इसी के साथ साथ ना एक कैंपेन और चलाया गया था जो आपके प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना चाहिए, दैट इज ब्लू हार्ट कैंपेन। इसका पूरा गोल था टू रेज दी अवेयरनेस अगेंस्ट दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, सिविल सोसाइटी भी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी, इवन दी इंडिविजुअल्स ऑल्सो। और इसके अलावा हमारा जो एनसीआरबी है उसका डेटा जो कहा था उसने, उसका यही कहना था कि एवरी डे अराउंड 8 चिल्ड्रंस आर ट्रैफिक्ड इन इंडिया। और फिर उनको यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस सच एज लेबर, बैगिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सी, आपको बैगर्स को देखे चाहे कितनी भी सिंपैथी फील हो, बट मत दीजिए, क्योंकि आप देते हैं अगर तो और ज्यादा उनको और इस ट्रैप में फंसाते हो कि वो लोग फिर और ज्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग करके इसी काम में लगा देते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट इज, नाउ कैन यू टेल मी फ्यू रीजंस कि आखिर क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों होती है ये सब चीजें? ठीक है, तो एक बार हम लोग 2 मिनट, बस 2 मिनट का डिस्कशन करेंगे इस पर कि व्हाट कुड बी दी बेसिक रीजंस। फर्स्ट रीजन इज पॉवर्टी। कई बार वेस्ट बंगाल की एक जगह है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वहां से इस तरह के कई केसेस आए जहां लोगों ने अपनी बच्चियों को 5-5 हज़ार रुपये में बेच दिया। अब वो खरीदने वाला उसको किस काम में यूज करेगा वो अलग चीज है, बट गरीबी की वजह से उन्होंने बच्चियों को बेच दिया। और कई बार तो ये जितनी भी आपके दिल्ली नोएडा में जो हाउस हेल्प होती हैं, स्पेशली बच्चियां, कुछ केस आए थे जहां पे उनको असॉल्ट भी किया गया, 13-13 साल की बच्चियों को बच्चे की केयर के लिए रख लिया जाता है, दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो रखा जाए वो ठीक है, लेकिन असॉल्ट किया जाता है यहाँ पे, उतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, इन जैसे स्टेट से गरीबी की वजह से लोग बच्चियों को दे देते हैं इन बिचौलियों को, और वो लोग यहाँ पे लाके उनको डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे ये कहते हैं कि बेटर लाइफ होगी, यहाँ से तो बेटर होगी, खाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बट अल्टीमेटली अच्छा खासा एक्सप्लॉइटेशन होता है। दूसरा दूसरा रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी। अगर किसी के 5 बच्चे हैं और उसके 2 बेटे हैं तो वो 2 बेटों को अपने पास रख लेगा, लेकिन 3 बच्चियों को कहीं ना कहीं इधर उधर भेज देगा कि आप इसको वहां ले जाके डोमेस्टिक हेल्प के काम में लगा देना या किसी में लगा देना, या आउटराइटली सेल भी कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी भी एक रीजन है। थर्ड रीजन इज लैक ऑफ एजुकेशन। अब लैक ऑफ एजुकेशन का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट अगर हमारी सोसाइटी में दिखता है तो वो है कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। उनको ये लगता है कि जितने ज्यादा कमाने वाले घर में होंगे उतना अच्छा होगा, बट ऐसा होता नहीं एक्जैक्टली। ठीक, तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं, है नहीं है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, बट द थिंग इज कि जिस स्पीड से हिंदू में एजुकेशन का पेनिट्रेशन बढ़ा, उस स्पीड से मुस्लिम्स में एजुकेशन का पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा था। मैंने कल आपको सर सैयद अहमद खान वाली स्टोरी भी सुनाई थी। ठीक है, जब WW हंटर ने बुक लिखी थी तो उसने यही हाईलाइट किया था कि मुस्लिम्स एजुकेशनली बहुत पीछे रह गए। फिर सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि रिलीजियस एजुकेशन अपनी जगह है, पर सेक्युलर और मॉडर्न एजुकेशन भी लो तभी जॉब्स मिलेंगी। तो मुस्लिम्स में भी आपको एजुकेटेड जो फैमिली हैं उनके यहाँ कई बार ऐसे भी मिल जाएंगे जहां से 2 बेटियां ही हैं। सो लैक ऑफ एजुकेशन स्पेशली स्टेट्स लाइक झारखंड या फिर उड़ीसा के कुछ रीजन में, वेस्ट बंगाल में कुछ रीजन में, उसी की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। दूसरा अनदर रीजन कुछ भी करप्ट लॉ एनफोर्समेंट। देखिए, अगर लोग जानते हैं कि यहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, रेड लाइट एरिया है, वहां पे बच्चियां ट्रैफिक करके लाई जाती है, कुछ लोग तो जानबूझकर चूज ही करते हैं कि उन्हें और टीनेज टाइप की लड़कियां चाहिए, ये सब रियलिटी है। आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में ही हुआ था, ठीक है, ये केस, और उन लड़कियों ने ये तक कहा था कि हमें ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के पास ही भेजा जाता था, 13 साल की लड़कियां। सो ये जो करप्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इनको पता सब कुछ होता है, बट ठीक है पैसा भिजवा देना हर हफ्ते, तो ये करप्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से इस ट्रैफिकिंग को या तो रोका नहीं जा रहा है या रोका नहीं जा सकता। सेकेंड इज द डिमांड फॉर चीप लेबर। नो, एक बार जब मोदी जी अपना वो कर रहे थे भाषण, बंगाल और
बिहार में चुनाव के टाइम पर, तब वहां कई जगह से इस तरह की वीडियोस आते थे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को ईंट बनाने की, जी ब्रिक्स, ब्रिकलिन जो होते हैं उनमें रखा जाता है जानबूझकर, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर बना के। और कई बार उन लोगों को, बच्चों को या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ड्रग का एडिक्शन लगाया जाता है कि ड्रग्स जब तक तुम्हें हम देते रहेंगे तब तक तुम कहीं भागोगे नहीं, क्योंकि एक बार इंसान पैसे मिलने के बाद भी जा सकता है, लेकिन ड्रग एक ऐसी चीज है कि शाम को लौट के वहीं आओगे वापस। ओके, तो इस तरीके से ये जो चीप लेबर की डिमांड है, स्पेशली जो देसी अल्कोहल बनता है जिसे हम देसी दारू कहते हैं, या फिर ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड होती है चीप लेबर की, और इसलिए इनको ट्रैफिक करके लाया जाता है, काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर। नेक्स्ट इज माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब कई बार होता है कि आपको केरल वगैरह और दूसरे स्टेट से लड़कियों को ट्रैफिक करके ले जाया जाता है कि अरब कंट्रीज में वर्क बहुत है, आपको अच्छा मिलेगा, नर्स का काम करना है, ये करना है, वो करना है, बट असली में क्या होता है कि वहां भी ले जाके आपको किसी इस तरह की छोटी मोटी जगह पर काम में लगा दिया जाता है, चाहे ब्रिक्स बनानी हो, चाहे अल्कोहल बनानी हो, और आपको बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद इन इंडिया ऑल्सो एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी रोकना उतना ज्यादा ईजी नहीं है। इवन आजकल तो चाइल्ड पॉर्न की भी डिमांड इतनी ज्यादा है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, कि हमारे यहाँ गोवा में भी सेक्स टूरिज्म सॉर्ट ऑफ चीजें लाइट में आई थी, जहां पर वहां की जो लेडीज आती है या मैन भी आते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें अंडर 18 वाले लड़के लड़कियां चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें रियलिटी है आज वर्ल्ड की, एंड इट इज ऑल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट थिंक व्हाट मेजर्स वी कुड टेक, क्या मेजर्स दिए जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 23(1), ठीक, ये क्या कहता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स में फॉर बेगार, फोर्स लेबर, या किसी भी तरह के वर्क के लिए। सिमिलरली आर्टिकल 23(2), इसके अंडर में पूरी जिम्मेदारी किसके पे डाली गई है, ये स्टेट पर, कि इस तरह की कोई भी एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, वो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हो गई, और लीगली लीगली हमारे पास काफी सारे लॉज हैं इसको रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेकर आए बॉन्डेड लेबर एक्ट, एबॉलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, ठीक है, हम लेकर आए, हम लोग चाइल्ड लेबर एक्ट लेकर आए, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, बट कुछ नहीं रोक पाए। हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लेकर आए, ये सब लेकर आए हम लोग, लेकिन उसके बाद भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होने के बाद भी क्या हुआ, कुछ नहीं रुका, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन उसी तरीके से हो रहा है आज भी। ओके, इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज, हमने एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना दी 2007 में होम मिनिस्ट्री के अंडर में, कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे। हमने एंटी ट्रैफिक सेल भी बना दिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में 2006 से चल रहा है। हमने विमेन हेल्प डेस्क बना दी इन ओवर 10,000 पुलिस स्टेशन, बट जो चीजें थी ऐसी की ऐसी चली जा रही है। फिर विमेन चाइल्ड को रोकने के लिए हमने एक और मिशन लेकर आए, मिशन वात्सल्य, इसको इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर अगर बच्चों की प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करने की बात की जाती है, और एट द सेम टाइम जो भी एलिजिबल चिल्ड्रन है उनको मंथली ग्रांट भी दिया जाता है 4,000 रुपीज का। ओके, तो इतना कुछ होने के बाद भी हालात कोई ज्यादा सुधरे नहीं है। एक 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 डायमेंशन और तैयार कर लेते हैं, अगेन मैं इसको मेंस में कराता बट अब यहाँ पे हम लोगों ने किया है तो हम उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। इश्यूज क्या है इन्वेस्टिगेशन में, इश्यूज क्या है आखिर, इश्यूज विद इन्वेस्टिगेशन, क्यों ये सब चीजें हमारे ही आसपास होती हैं, अपने शहरों में होती हैं, उसके बाद भी इनमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। सबसे सबसे पहला रीजन आता है इसमें इंस्टीट्यूशनल बैरियर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है द रिलक्टेंस रिलक्टेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सब पता है पुलिस को कहां पे क्या चल रहा है, बट देर इज अ रिलक्टेंस कि वो इसको एड्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, या तो कई बार तो एक बार रीजन ये होता है कि हमारे पास देर इज लैक ऑफ एविडेंस, पुलिस के पास उतना एविडेंस नहीं है, क्योंकि कई बार ये बच्चे से पूछा भी जाता है तो ये पलट जाते हैं डर के मारे कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम वहां गाँव में जाएंगे तो हम तो वहां भी पॉवर्टी में ही रहना है। ठीक है, तो फिर ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बट खाना तो मिल रहा है, उस लेवल की हालत है कहीं कुछ जगहों पर। ओके, तो उतना एविडेंस नहीं मिल पाता, या फिर जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि वो पुलिस के सामने तो एक्सेप्ट कर लेता है बट कोर्ट में जाके फॉर वॉट एवर रीजन वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता है, तो स्टेटमेंट की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती, इसलिए ये पहला इंस्टीट्यूशनल बैरियर बनता है हमारे लिए। सेकेंड इज, जो हमारी एजेंसीज भी हैं वो उतनी इनएडिक्वेटली ट्रेंड नहीं है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग।
उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि आखिर हमें इस तरह के केसेस को एफिशिएंटली हैंडल कैसे करना है। देन नेक्स्ट इज विक्टिम, विक्टिम हिमसेल्फ बीइंग, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो पिजन होल्ड एज क्रिमिनल्स। ओके, कई बार क्या होता है, ये जो ट्रैफिक इंडिविजुअल्स हैं इनको लेबल कर दिया जाता है एज क्रिमिनल्स, और इस वजह से उनकी सफरिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर। अभी लैंग्वेज बैरियर का पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ उज्जैन में, जो महाकाल की नगरी है आप जानते होंगे, ठीक है, उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची, वो 2 घंटे तक सड़क पे चलती रही, उसका रेप हुआ था, उसके पूरे पैर पे ब्लीडिंग हो चुकी थी, ठीक है, बट वो इसी तरीके से 2 घंटे शहर में घूमती रही, बट कोई ने उसकी हेल्प नहीं की। फिर उसके बाद जब किसी ने उसकी हेल्प की भी, तो उसके बाद पुलिस उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये बच्ची बोल क्या रही है। ऑब्वियसली ट्राइब बच्ची थी, ट्राइबल एरिया से आई थी, बट वो वहां कैसे आई और उसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आई पुलिस को, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर एक रीजन बन जाता है कई बार। और लास्ट लास्ट की अगर पुलिस इनको रेस्क्यू कर भी ले तो देर इज लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज, राइट। दिस दीज आर सम रीजंस, इंस्टीट्यूशनल बैरियर, जिनकी वजह से हम इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और इसके अलावा कई बार इंटर स्टेट इश्यूज आते हैं, इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन इश्यूज होते हैं कि एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ उतना कॉपरेट नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज देयर इज ऑल्सो डिक्लाइन इन कन्विक्शन रेट। पुलिस इतनी मेहनत करती है, इन सबको पकड़ती है, पूरा केस सॉल्व करती है, सब कुछ करती है, बट अल्टीमेटली इनका फाइनल कन्विक्शन नहीं हो पाता है और कोर्ट से इनको किसी ना किसी तरीके से बेल मिल जाती है, ठीक है। और ये इसलिए पता चलता है कि जो कन्विक्शन रेट अराउंड 28% हुआ करता था 2016 में, वो आज डिक्रीज होकर जस्ट 10% रह गया है बाय 2020, जबकि केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं बट कन्विक्शन रेट नीचे आता जा रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना इनएफिशिएंट है, बेल ले लेते हैं कुछ गलत लोग और हो जाता है उनका काम, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने आपके साथ यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप ये, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इसको हैंडल कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इकोनॉमी पेज पे कुछ काम का नहीं है, इंटरनेशनल पेज पर भी नथिंग न्यू। हम लोग चलते हैं साइंस पेज पर। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बिल्ड किया है, साइंटिस्ट लोगों ने एक इंटेलिजेंट बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया बिल्ड किया मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद बनाया। दी थिंग इज, एक फर्क समझिए, सिंगल सेल बैक्टीरिया दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट, ठीक है। हाउएवर जिन्हें हम इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस लाइक डॉल्फिन, चिंपैंसी, ऑक्टोपस, क्रो, ह्यूमंस, दीज आर मल्टी सेलुलर, जबकि ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर सिंगल सेल, ठीक है। वी आर मल्टी सेलुलर इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन कंपोज करते हैं सेवरल न्यूरॉन्स। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो सिंगल सेल बैक्टीरिया था इसमें कुछ इस तरह के केमिकल चेंजेस किए कि इसमें भी वो न्यूरॉन्स डेवलप किए गए जैसा कि ह्यूमंस या फिर इन बाकी के इंटेलिजेंट एनिमल्स में होता है। दे हैव इंजीनियर्ड द बैक्टीरिया दैट कैन डिसाइड वेदर ए गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और वेदर एन अल्फाबेट इज वॉवल। ओके, ये किया गया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ईच टाइप ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया वॉज बैक्टो न्यूरोन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टो न्यूरॉन्स बिहेव लाइक ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। तो कल को अगर यूपीएससी आपसे सिर्फ टर्म पूछे बैक्टो न्यूरॉन, तो आपको इसके पीछे की कहानी पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ठीक है। हमने सिंगल सेल वाले को मल्टी सेल्यूलर की तरह एक्ट करना सिखाया, ठीक है, और जो न्यूरॉन्स थे वो डेवलप हुए इसमें, और उस वजह से अब वो इंटेलिजेंटली रिकग्नाइज कर सकता है इन चीजों को। द क्रिएशन ऑफ दीज बैक्टीरियल कंप्यूटर्स, क्योंकि मैंने आपके साथ प्रिलिम्स रिवीजन सीरीज में एक टॉपिक डिस्कस किया था बायो कंप्यूटर्स, तब भी मैंने बात की थी इसकी। द क्रिएशन ऑफ दीज बैक्टीरियल कंप्यूटर्स कुड हेरल्ड सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड मेडिकल साइंस एंड इन द बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे कुछ बातें हैं यूरेनस की, मैं जो आपको वो काम की बात बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैग्नेटोस्फियर। दिस इज ए रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग ए प्लैनेट वेयर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट्स क्रिएटिंग ए प्रोटेक्टिव जोन अगेंस्ट द सोलर एंड कॉस्मिक पार्टिकल रेडिएशन। अब सोचिए कि अगर अर्थ के अराउंड उसकी मैग्नेटिक उसका मैग्नेटोस्फियर नहीं होता, तो ये जो सोलार रेज वगैरह आती हैं, इसमें जो रेडिएशन होते हैं, ये कितना हार्म करती है अर्थ की लाइफ को, राइट। तो मैग्नेटोस्फियर हर प्लेनेट के पास मिलेगा आपको। अब हम लोग अभी तक तीन स्टेट पढ़ते आए, मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसी में फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, प्लाज्मा। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली ए काइंड ऑफ गैस बट इट इज कंसिडर्ड सेपरेट फोर्थ स्टेट। इट इज अ गैस हुज एटम्स हैव बीन स्प्लिट इनटू हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा इज अ कॉमन फीचर इन मैग्नेटोस्फियर
ऑफ अदर प्लैनेट्स, सो इट्स लो कंसेंट्रेशन ऑब्जर्व अराउंड द यूरेनस वॉज पजलिंग। यूरेनस में हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये जनरली, और इसके दो मून्स हैं उसके बारे में याद रखिए, जनरली इसके 28 मून्स हैं एंड टू सेट ऑफ रिंग्स, बट दो सबसे इंपॉर्टेंट मून्स हैं टाइटानिया एंड ऑबेरॉन, बट ये ऑर्बिट करते हैं आउटसाइड द मैग्नेटोस्फियर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।